किस नाम से कॉलोनी थी? कॉलोनी हमारे नाम से है। नाम बताओ। नाम निर्मला से। अच्छा, पैसा सब निकल गया है क्या? निकल गया। कितना निकला? अरे जितने आवत हो सब निकल गया। पासबुक आपकी जमा कराई थी क्या? सब ले लिए। कौन क्या कॉलोनी नहीं मिली साहब? क्यों? और नाम लिस्ट मचाहा है। अच्छा, कुछ सामान नहीं मिली है। पैसा आया था क्या? पैसा आया पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला? आपको पैसा नहीं मिला? पासबुक किसको दिया था आपने? पासबुक को नहीं मिली है। किसको? प्रधान, 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 नबी प्रधान। अच्छा, तो अंगूठा अंगूठा भी लगवाया था? हाँ, सब लगवा लिया। कब लगवाया था अंगूठा? वही गाय का परसों। क्या कहे के अंगूठा लगवाया था? पैसा मिलेगा, पैसा नहीं दिए ना, पैसा ले लिए। कौन? साहिद। साहिद कौन है? प्रधान। क्या नाम है आपका? राज नारायण। किस गांव के निवासी हो? चलथरा। अच्छा, क्या हुआ है? सापीपुर चलथरा। अच्छा, क्या हुआ आपके कॉलोनी के मामले में? क्या क्या मामला साहब? हम जेल में थे। कब? ये 2014 में। अच्छा, दो साल वहाँ थे जेल में। उसके बाद यहाँ आए तो फतेहपुर में लिस्ट निकला है, वो हदगाम में, तो पैसा निकल चुका। अच्छा, तुमको मिला? हमको कुछ नहीं मिला। आपके नाम से पैसा निकल निकल गया। कब निकला? ये जब जेल से छूट के आए थे। कितना पैसा निकला? 70,000 की कॉलोनी थी। अब क्या दिक्कत है? अब क्या हो रहा है? अब क्या, अब कुछ मिले नहीं। नोटिस? तुमको जानकारी कैसे लगी कि पैसा निकल गया? हमको जानकारी तभी मिलेगी, हमारे नाम से कॉलोनी थी, जब कागज देखे तो वहाँ से सब पैसा निकल गया। फिर यहाँ शिकायत की है यहाँ हल्लीपुर में। अच्छा, क्या बोलते हैं अब? अब वो कहते हैं पासबुक नहीं मिलेगी। अच्छा, और अंगूठा भी लगवाया था क्या? अंगूठा बाद में जब हम इटावा से आए हैं तब लगवाया। क्या बोल के अंगूठा लगवाया था? कहा चलो तुम्हारी कॉलोनी आई है उसमें दस्तक लगा। नहीं, कॉलोनी कितने दिन पहले अंगूठा लगवाया था आपको? दस्तक करवाया था यही साल साल भर से। अभी तक कुछ मिला नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला। कहाँ रहते हो? कैसे रहते हो आप? हाँ, कैसे रहते हो? यहाँ खेती बाड़ी करते हैं और मजदूरी करते हैं। किस गांव का मामला है? चलथरा का। कौन सा? कौन से? सापीरपुर चलथरा। ठीक, ब्लॉक कौन सा लगता है? हदगाम। क्या नाम है? शिवदास। ठीक, पगली। अच्छा, हमारी पगली यहाँ है, मीरसेपुर की पगली भरी हुई है। तो कॉलोनी नहीं मिली क्या आपने? कब नाम आया था लिस्ट में? पिछले इस गांव का नहीं है क्या? वो जो नाम भरा गया प्रधान नंबर है, फर्जी नाम। इसकी जांच भी चल रही है? आपको पैसा ना मिला ना कुछ मिला? कुछ नहीं, जब हम देखा लिस्ट में तो आपके नाम आरसी कैसे कट गई? क्या हमने देखा था पैसा निकला है? और पैसा निकल गया जिसके नाम जो औरत के नाम वहाँ भर गया। अच्छा, लोग को खड़ा करके पैसा निकाल लिया। किसने निकलवा लिया? प्रधान निकाल। और आपका नाम आरसी कटवा दी? हमारे नाम आरसी कटवा दी। हमारे यहाँ जाँच भी कई मरत है। कैसी धांधली आपके यहाँ? धांधली मेरे ग्राम पंचायत में ऐसी हुई कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि साहिद हसन ने जो है आवासों में 15,000 से 20,000 की उगाही गई। उसके बाद 98 आवासों में से 53 आवासों में धांधली की गई, जिसका अभी तक उनको आवास उसमें से 40 आवास अभी तक अब तक बने ही नहीं। और 5 लोग ऐसे हैं कि जो इस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है, जिनको आवास दिया गया उनका पैसा निकल गया है। और 93 में अब तक सारों को पैसा निकल चुका है, लेकिन अभी तक उनके किसी का आवास पूर्ण नहीं हुआ है। क्या किसी खिलाफ मुकदमा भी लिखा? किसी धर्म कीर्ति और प्रधान प्रतिनिधि वो परनिया और दूसरी बात वो एजाज जई, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था जिसमें आज तक कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद फिर जाँच कराने के बाद हुआ प्रधान प्रधनी साहिद हसन का मुकदमा दायर हुआ, उसमें जिसमें वो जेल गया था। लेकिन धर्म कीर्ति चौधरी के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। वही सेम धारा उसमें भी लगी? वही सेम धारा लगी है उसी में, उसे एक धारा बढ़ के भी लगी है, लेकिन आज तक धर्म कीर्ति चौधरी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या उनको बचाया जा रहा है? उनको सर शासन क्या हम बताएं, जो जिला स्तर के अपने कर्मचारी हैं वो पैसा के साठ गांठ से अपना बचा रहे हैं उनको। कौन है धर्म कीर्ति? धर्म कीर्ति चौधरी है, सिगरेट ग्राम विकास अधिकारी। क्या अभी वो काम कर रहे हैं? अभी इस समय अभी तो काम कर रहा है, अभी तो एक हफ्ते पहले काम कर रहा था, अभी भी सिक्योरिटी पद पे तैनात है। उसमें ग्राम विकास अधिकारी पोस्टिंग की गई है, वहाँ उसने भारी घपला किया। घपला करने के बाद मुकदमे पंजीकृत हुए, पुनः फिर से रिपोस्टिंग कर दी गई। आखिर रिपोस्टिंग का मापदंड क्या है और किन परिस्थितियों में रिपोस्टिंग कर दी गई?
सही है जो आप कह रहे हैं कि शाहपीरपुर में धर्मकीर्ति नाम के सेक्रेटरी पहले पोस्ट किए गए थे और ये संज्ञान में आया था कि उनके द्वारा कुछ अनियमितता की गई थी जिसमें उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। अभी फिलहाल वहाँ पे आशीष सोनकर तैनात किया गया है, उनको आवंटन हुआ है ग्राम पंचायत का। प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि कुछ लापरवाही की वजह से शायद धर्मकीर्ति ने कुछ काम वहाँ पे देखा है, उनको मौखिक निर्देश दिए गए हैं कुछ काम देखने के। इसकी तुरंत जांच करवाई जाएगी और जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिसके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं उन पर कार्रवाई की। जी मैम, अगर हम पुराने मामले की बात करें तो उस मामले में प्रधान को चुप कर गया, कहीं न कहीं ग्राम विकास अधिकारी भी उसमें दोषी थे, पूरे तरीके से दोषी पाए गए, FIR में दोषी पाए गए, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं तय हुई, ग्राम पंचायत अधिकारी को जेल तक नहीं गया है। आखिर क्या है कानून का मापदंड, क्या है, किस तरीके से बचाव के रास्ते अपनाए गए? नहीं, बचाव कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि आप अवगत हैं अगर FIR दर्ज हो गई है तो पूरी कानूनी प्रक्रिया उसमें अपनाई जाएगी। अगर चार्जशीट अभी उसमें दर्ज नहीं हुई है तो इसमें ये पता कर लिया जाएगा कि उसके लिए क्या आधार है। मैम, सेम धाराएं जो धारा ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ बनती है वही धारा वहाँ के प्रधान पुत्र के खिलाफ भी बन रही है। एक व्यक्ति जेल जा रहा है क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर से है, निर्वाचित है, और दूसरा सरकारी मुलाजिम है, दूसरे को भी वही कानून। मैं नहीं समझती ऐसा कोई भेदभाव किया गया होगा, पर ये जरूर देख लिया जाएगा कि क्यों एक की कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है, एक की चार्जशीट में विलम्ब हो रहा है, इस पर तुरंत आपको जवाब भी मिलेगा।